हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास टेंथ का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इकाई वन का अभी तक हम लोगों ने 20 भाग कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इसका 21वां भाग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और उसके अंतर्गत उसका खंड ख जो है जल संसाधन, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर का 20 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि पीछे वाला टोटल वीडियो हम देख लें, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं या डिस्क्रिप्शन खोल के देखें और नीचे जाएं, वहाँ पे लिखा होगा टेंथ ज्योग्राफी या भूगोल, उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से पार्ट वन से लेकर के पार्ट 20 तक आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन पिक्चर के साथ एक्सप्लेनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल के टोटल करा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको अगर इसका PDF चाहिए इसके क्वेश्चन आंसर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप पे या डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे, फेसबुक पे किसी से भी जुड़ करके और आप इसका PDF ले सकते हैं। तो बस यही आपका डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन नहीं किए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके ज़रूर देखिए, उसमें आपको काम की चीज़ बहुत सारे मिलने वाली है। तो बस यही आपको बताना था। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और ये जो क्लास है ये ख भाग का यानी कि जल संसाधन का अंतिम पार्ट है, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से यानी कि कल की क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन तीनों को कंप्लीट करेंगे और ख पूरी तरह से कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका जो ग वाला सेक्शन है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको लाइक किया जा सकता है तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिएगा कि आखिर इसमें कमी क्या है, ताकि अगली बार उस कमी को सुधारा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्षा के जल को कैसे हम लोग संग्रहित कर सकते हैं और अपने भविष्य को बचा सकते हैं, और आज का क्लास है सोन परियोजना एक अध्ययन। देखिए, सोन परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था। इसे आप कह सकते हैं बिहार की पहली परियोजना और सबसे प्राचीन परियोजना। तो अंग्रेजों के टाइम में ये परियोजना स्टार्ट हुई थी, और उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि इससे क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में होने वाला है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये सोन नदी है और इसी सोन नदी पे बांध बनाया गया है, इसी को सोन परियोजना कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता उपरांत यानी कि जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, उसके बाद भारत में आर्थिक यानी कि पैसे के रूप में, सामाजिक व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। मतलब कि अगर परियोजनाओं की बात करें, चाहे वो कोसी परियोजना हो, चाहे गंडक परियोजना हो, चाहे आपका सोन परियोजना हो, कोई भी परियोजना हो, अगर इन सारी परियोजनाओं की जो तैयारी हुई वो देश के बाद ही अच्छे तरीके से हुई और बहुत ही तेज़ी से हुई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की भी संज्ञा दी गई, जिस पर पूर्व में चर्चा कर की जा चुकी है। मतलब कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक परियोजना से कई सारे लाभ उठाए जा सके, इन सारे चीज़ों के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और इसके जो स्टार्टिंग करता थे, जो इसके शुरुआती थे करने वाले, वो थे हमारे देश के ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें तीन प्रमुख हैं। तो फिलहाल हम अपने पूरे देश की नहीं, केवल बिहार की परियोजनाओं की अगर बात कर लें, तो उसमें से तीन परियोजनाएं सबसे प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सोन परियोजना,
दूसरा आता है गंडक परियोजना, तीसरा आता है कोसी परियोजना। लेकिन हम लोग ना तो गंडक परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं, ना तो हम कोसी परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं, केवल हम पढ़ेंगे तो सोन परियोजना के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोन परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। अगर आपके सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सोन नदी घाटी परियोजना। ये बहुत पहले से, प्राचीन काल कह लीजिए या चाहे सबसे पहला कह लीजिए, ये बिहार की पहली परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। ब्रिटिश सरकार ने, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार का अर्थ अंग्रेज, यहाँ पे एक अंग्रेज का मैंने पिक्चर लगा दिया है जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था। सिंचित भूमि में वृद्धि कर, यानी कि भूमि की सिंचाई में बढ़ोतरी कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी परियोजना का विकास किया था ताकि मिट्टी की सिंचाई हो सके, भूमि की सिंचाई हो सके और अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो सके ताकि ये छोटा अंग्रेज क्या कर सकें, हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सके। क्योंकि भारतीय ज़्यादा खेती में फसल उगाते थे और वो उसको कम दामों पे ज़बरदस्ती ले लेते थे, या समझिए कि पैसा भी नहीं देते थे, किसी तरह मतलब छीन ही लेते थे। इसमें डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। अब इसके लिए क्या किया गया, जगह जगह पूरब और पश्चिम दिशाओं में नहरों का निर्माण किया गया। नीचे देख रहे हैं ना, ये नहर है, इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। वहाँ से जो ये नहर निकाली गई है डेहरी के समीप में, डेहरी एक जगह का नाम है, आप लोग धान भूसा रखने वाला डेहरी मत समझिएगा, तो वहाँ से एक नहर निकाली गई, तो ये 130 किलोमीटर लंबा है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि डेहरी के समीप पूरब और पश्चिम दिशाओं में जो नहरें निकली हुई हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 130 किलोमीटर। और यहीं से आप लोग ये नहर देख रहे हैं, यहीं है डेहरी का नहर। पूरब की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। आज भी ये जो पूरब का नहर है उससे पटना है, गया है और औरंगाबाद, ये 3 जिले हैं, वहाँ के 3 लाख हेक्टेयर भूमि आज भी इससे सिंचाई की जाती है। इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर जिला तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। मतलब 3 जगह से शाखा, मतलब उसका 3 गो भाग टूटा हुआ है पश्चिमी वाला, एगो आपका भोजपुर जिला में, दूसरा बक्सर जिला में और तीसरा शाखा है चौसा क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्रों को क्या करती है, सिंचाई का काम करती है, सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएँ कौन कौन, एक रोहतास हो गई जो चौसा में पड़ता है, यहाँ पे चौसा लिखा है ना, वो रोहतास जिला में है, बक्सर हो गया और भोजपुर, 3 जिलों को प्रभावित करती है। तो हमने क्या देखा कि पूरब की जो है वो भी 3 जिलों को करती है, जिसमें कौन कौन है, पटना, गया और औरंगाबाद, और जो पश्चिम की है वो भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिलों को सिंचाई के लिए उपलब्ध है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ये कितने क्षेत्र को सिंचित करती है, तो 3 लाख हेक्टेयर भूमि को, ये नहर की बात हो रही है। 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। 1968 में 10 किलोमीटर डेहरी से कितना दूर, 10 किलोमीटर दूर पर एक जगह है इंद्रपुरी जगह, यही वो जगह जहां पर ये सोन नदी पर ये बांध बनाया गया और बहुउद्देशीय परियोजना रूप देने का प्रयास किया गया, इनसे कई सारे लाभ उठाने का प्रयास किया गया। तो ये कब बना था, 1968 ईस्वी में। इससे पुराने नहरों, जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। नीचे आप लोग देख रहे हैं ये चावल, ठीक है ना, और कटोरे में चावल और ऊपर से पकौड़ी उकौड़ी रख दिया गया है, चटनी उटनी रख दिया गया है।
तो बाबू यहाँ पे चावल का कटोरा कहने का अर्थ ये नहीं कि चावल की कटोरी की बात हो रही है, मतलब कहने का अर्थ है कि इस सोन परियोजना का यह फायदा है कि वहाँ की मिट्टी के लिए सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे पानी अवेलेबल है जिससे अच्छी फसल होती है और ख़ास करके इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, इसलिए इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है ना, ये आप लोग मत समझ लीजिएगा कि ये चावल की कटोरी की बात की जा रही है। राइस बॉल ऑफ बिहार, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइस बॉल ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल का कटोरा किस नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सोन नदी घाटी परियोजना को चावल का कटोरा कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सोन नदी घाटी परियोजना को चावल का कटोरा क्यों कहते हैं, तो हम उत्तर में ये देंगे कि सोन नदी घाटी परियोजना के कारण उसके आसपास के सभी क्षेत्र कि मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ हो चुकी है, जिसमें चावल की खेती सबसे अधिक होती है, यानी कि चावल की कमी नहीं होती है, इसलिए उस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर इस कटोरे में देख करके आपके मन में अगर कहीं भी मतलब चटक हुआ हो, मुंह में पानी आ गया हो, तो आप आराम से इसमें से निकाल कर हल्का हल्का चम्मच से खा सकते हैं। सभी लोग मिल बाँट कर खाएं, क्योंकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा खाएँगे तो काम चलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी स्थापित हुए हैं। इन परियोजनाओं को चलने के लिए बिजली के लिए शक्ति गृह बनाए, शक्ति गृह मतलब अंग्रेजी में कहेंगे पावर हाउस, देख रहे हैं ना, यही है पावर हाउस, इसको पावर हाउस कहते हैं, बिजली तैयार किया जाता है उसको पावर हाउस बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं शक्ति गृह। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है। अगर क्वेश्चन ये हो कि सोन नदी घाटी परियोजना में किस नहर पर शक्ति गृह का निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे पश्चिमी नहर पर। कौन सी नहर पर? पश्चिमी नहर, क्योंकि दो नहर, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, वहाँ पे पावर हाउस का निर्माण हुआ है, इस जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ये जो बनी हुई है वहाँ की, देख रहे हैं वहीं की ये तस्वीर है, तो वहाँ का जो ये पावर हाउस बना हुआ है इससे कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि पश्चिमी नहर पर जो पावर हाउस बना है, शक्ति गृह बना है सोन नदी घाटी परियोजना के समीप में, तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर है, इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर के एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है, यानी कि इस ऊर्जा का उपयोग वहाँ का डालमिया नगर जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ये फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बारूड नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाए गए हैं, यानी कि पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप लगाया गया है और पूर्वी नहर पर बारूड नामक जगह पर पावर हाउस लगा है, और ये जो पावर हाउस आप देख रहे हैं ये पावर हाउस कहाँ का है, बारूड नामक स्थान पर जो पावर हाउस लगा हुआ है वहाँ का ये सीन है, जहाँ 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है, मतलब कि जितना पश्चिमी नहर पर किया जा रहा है उससे आधा है, क्योंकि वो 6.6 है और ये 3.3 मेगावाट है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि पूर्वी पर 3.3 मेगावाट है और पश्चिमी पर 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना के नहरों का पुनरुद्धार हो रहा है सोन की सहायक नदी रिहंद। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सोन की सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे रिहंद नदी, के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है। तो रिहंद नदी के जल का उपयोग कौन सी सरकार करती है बाबू? उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है, यानी कि सोन नदी का जो पानी है वो उसकी सहायक नदी रिहंद नदी ले लेती है और वो उसका उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिसके चलते सोन में पानी की कमी आ जाती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है, मतलब बिहार सरकार जो है यानी हमारे नीतीश कुमार जी और उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो इनके बीच बातचीत हुआ है कि आखिर कुछ इसका उपाय निकाला जाए ताकि सोन नदी में पानी की कमी ना हो। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही बांध बना हुआ है, देख लीजिए कितना शानदार बांध है, सोन नदी पे बना हुआ है ये। बिहार विभाजन के पूर्व, बिहार विभाजन का अर्थ क्या हुआ, यानी कि बिहार जब झारखंड से अलग हुआ 2000 ईस्वी के आसपास,
इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। पहले इसको किस नाम से जानते थे? कदवन जलाशय योजना, और आज जानते हैं इसको इंद्रपुरी जलाशय योजना। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। मतलब 450 मेगावाट का समझ, बाप रे, बहुत ज़्यादा विद्युत का उत्पादन हो सकता है इससे। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, अब इसका जो लिंक है वो 3 गो राज्य का है, बिहार, झारखंड और एक है उत्तर प्रदेश। ये 3 गो राज्य जिनसे ये सोन नदी घाटी जुड़ा हुआ है कि समन्वित सहमति बन चुकी है, यानी कि बिहार झारखंड इस बात को मान चुका है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है। मतलब अभी उत्तर प्रदेश ने इसमें कोई अपनी भागीदारी नहीं दिखाई है, अपना कोई हिस्सा नहीं दिखाया है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC को सशर्त सहमति दे दी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसकी सहमति के लिए बिहार सरकार का जो ऊर्जा विभाग है वो अपना सहमति दे चुका है किसको? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को, कि इसमें आप शामिल कीजिए उत्तर प्रदेश को भी। NHPC का यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, N मतलब नेशनल, H मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक, P मतलब पावर और C मतलब कॉरपोरेशन होता है, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, यही वो जगह है जहाँ पे ये मेन है, NHPC का जो मेन शाखा है यहीं पे है। तो इसको बिहार का जो ऊर्जा विभाग है उसने सौंप दिया है कि आप उत्तर प्रदेश से वार्ता करके इसे कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उपयोग कर सकें। जिस दिन ये सक्सेस हो जाता है ना बाबू, तो 3 राज्यों में 24 घंटा लाइट रहेगा, कभी भी कटेगा नहीं। बट देखिए कब तक ये होने वाला है। आगे है, इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। मतलब कि इससे तो जल विद्युत उत्पन्न होगा ही, साथ ही साथ सिंचाई का भी इसमें प्रयास किया जाएगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना, जिसको कहते हैं BHPC, वहीं बी मतलब केवल बिहार कर दीजिए, वहाँ पे NHPC था, यहाँ पे BHPC है, तो बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं ये BHPC का सीन है, और इसके पहले जो सीन देखे थे वो NHPC का सीन था। इसके अतिरिक्त भी बिहार अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित है जिसके विकास की आवश्यकता है, जिनमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा बरनार जलाशय परियोजना। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन पे काम करना अभी बाकी है। अगर इन सभी परियोजनाओं पे काम कर दिया जाता है तो शायद बिहार में जो सिंचाई की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, शायद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो उम्मीद है कि सरकार आगे इस पर पहल करेगी, इस पर विचार करेगी। तो यहीं पे आपका ये खंड ख जल संसाधन का चैप्टर समाप्त होता है, और अगली क्लास में पार्ट 22 में इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और उसके PDF भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।